कराना हो, कंडीशन के आधार पे कोई काम करवाना हो, जैसे कि आपको, जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन का, जैसे सिंपल है, हमको कि कोई दुकान में हम सामान बेच रहे हैं तो देखते हो ना ऑफर निकलता है, दुकान में ऑफर निकलता है, अब बोलता है कि इफ यू बाय अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ मोर देन 3,000 रुपीज, मोर देन 3,000 रुपीज, देन वी विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए ऑफर निकलता है, 3,000 से ज्यादा का सामान खरीदेगा तो 10% डिस्काउंट, यस देखे हैं। चलिए, और जब अब वहां पे जाके कोई सामान खरीदिए और उसका बिल करवाइए, और अगर 3,000 रुपये से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल में अपने आप 10% डिस्काउंट हो जाता है। यस सर, और अगर 10 और 3,000 से कम का सामान खरीदेगा तो डिस्काउंट नहीं नहीं होगा, मिल 3,000 से ज्यादा का सामान खरीदिएगा तो डिस्काउंट मिलेगा आपको, वो बिल में आ जाएगा। तो बिल जो है कंप्यूटर से जब प्रिंट हो रहा है तो कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर लिखा है। तो अब हम लोगों को देखना है कि अगर वैसा सॉफ्टवेयर आपको बनाना पड़े, ठीक है, अगर वैसा सॉफ्टवेयर बनाना पड़े कि आपका बिलिंग अमाउंट क्या है 3,000 से ज्यादा है, तो हमको क्या करना है, टोटल में से 10% डिस्काउंट करके उतना पैसा कस्टमर से लेना है, राइट, उसके बिल में देना है कि डिस्काउंट आपको इतना मिला। बात समझे, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। नहीं? चलिए ठीक है। तो अब हम लोगों को थोड़ा सा कंप्यूटर को थोड़ा सा ज्यादा समझदार बनाना है। अभी तक तो समझदार कितना बनाया कि जोड़ घटाव गुना भाग कर दो, नाम ले लो, कुछ भी कर लो, है ना, एवरेज निकाल दो, स्क्वायर निकाल दो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, तो उसको गुना भाग करना आता है ये तो पता चल गया हमको, ठीक है। लेकिन अब हम बोलेंगे कि ठीक है गुना भाग तो करना है, लेकिन अब अलग अलग हिसाब से करना है। अगर 3,000 से ज्यादा का सामान खरीदे हैं तो 10% डिस्काउंट दो, और नहीं तो मत दो। बात समझे, तो अब यहाँ पे जैसे हम आपको बोलेंगे, आप जैसे मान लेते हैं अभी मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, आप दुकान में कैशियर हैं, और वहां पे आप दुकान में ऑफर निकल गया है कि 3,000 से ज्यादा का सामान निकलेगा तो आपको 10% डिस्काउंट देना है, और नहीं तो नहीं देना है। तो आपका कोई कस्टमर आया, सब सामान लेके आया, और आप बिल बनाए, और उसका 2,000 रुपये का बिल आया, तो आप उससे कितना पैसा लीजिएगा, 2,000 2,000 लीजिएगा, तो ठीक है। और मान लेते तो उसका बिल आया 4,000 रुपये का, तो आप कितना तो डिस्काउंट दीजिएगा उसको, 10% 10%, 400 रुपये डिस्काउंट, और उसके बाद 3,600 रुपये लीजिएगा उससे, है ना। तो अभी आपको क्या करना पड़ रहा है, अपने आप ही आपको मन में सोचना पड़ रहा है कि अच्छा वहां पे लिखा हुआ है मेरे दुकान के आगे में कि 10% डिस्काउंट देंगे 3,000 से ज्यादा। तो और मान लेते हैं किसी का बिल का अमाउंट आया है 3,113 रुपया, ठीक है, तो उसका फिर 10% निकालना होगा, और उसको 10% निकाल के जो बचेगा उतना पैसा आपको कस्टमर से लेना है। तो कहने का, और वहां पे आपको क्या हुआ, कैलकुलेटर आप लेना पड़ेगा, कैलकुलेटर में आप 10% निकालिएगा, फिर उतना में से 10% जो निकला उसको घटाइएगा, फिर बोलिएगा इतना पैसा आप दीजिए। तो अब हम कंप्यूटर से क्या बोलना चाहते हैं कि भाई अब हम कैलकुलेटर वैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, अब कंप्यूटर भाई साहब आप ही सब कुछ कर करा के हमको दीजिए। तब कंप्यूटर को अगर करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन देगा, प्रोग्रामर। काम करते हैं कि अगर हमको ये 3,000 से ज्यादा है तो डिस्काउंट दीजिए, और नहीं तो नहीं दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर हिंदी में या इंग्लिश में बोलना हो, हिंदी में बोलना हो या इंग्लिश में बोलना हो, तो हम क्या बोलेंगे, इफ, हम स्टार्ट वही ना किए थे इफ से ना, इफ यू बाय अ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 3,000 देन यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, हम लोग यही ना बोलते हैं, ऐसा ही ना बोलते हैं। यस भैया, चलिए, तो अब हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर में भी जो सी लैंग्वेज है वहां पे भी इस चीज को आसान बनाने के लिए, है ना, जो लिखने का तरीका जो बताया गया है सेम चीज बताया गया, कुछ ज्यादा चेंज करके नहीं रखा गया, बोला गया एकदम सेम, जैसे आप बोलते हैं ना नॉर्मल लाइफ में, जैसे बोलचाल में इफ, तो वैसा ही वाला यहाँ पे भी है, वैसा ही इफ लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। चलिए करके देखते हैं, तो यहाँ पे इफ लिखना है, और इफ के बाद देना है ब्रैकेट, क्या देना है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखना है आपको कंडीशन, क्या लिखना है, कंडीशन,
अब ये कंडीशन क्या होता है हम लोग देखेंगे, और उसके बाद देना है ये वाला कर्ली ब्रैकेट और फिर एंड वाला कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है? कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो आप कंडीशन दीजिएगा, आपको हमेशा ध्यान में रखना है इस कंडीशन को दो ही चीज रिटर्न करना चाहिए। ये कंडीशन को आप जो भी यहाँ पे लिखिए, इसको अल्टीमेटली जो है दो ही चीज रिटर्न करना चाहिए, और वो रिटर्न करना चाहिए या तो ट्रू या या फॉल्स, तो फाल्स। यही दोनों में से कोई एक चीज को रिटर्न करना चाहिए, और कोई और तीसरा चीज नहीं। मतलब कंडीशन में आपको वैसा ही प्रोग्राम लिखना है, वैसा ही स्टेटमेंट लिखना है जो आपको क्या दे, ट्रू या फॉल्स, कुछ भी नहीं लिखना है। बात समझ गए? हेलो, यस भैया, कंडीशन में क्या देना है? ऐसा कुछ स्टेटमेंट जो कि आपको क्या दे, ट्रू फॉल्स। या फॉल्स, उसके अलावा और कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ और दीजिएगा तो आपका कंडीशन गलत हो गया, आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। कंप्यूटर आपको बोल देगा, कंपाइलर बोल देगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या लिखें, ठीक है। वो आपका कंपाइल जब प्रोग्राम रन होगा उसमें एरर आ जाएगा, ठीक ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट का क्या इंपॉर्टेंस है? तो अगर जैसे आप इफ कंडीशन दिए हैं, अब इफ कंडीशन के बाद जैसे आपको डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट देने का प्रोग्राम जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। अब डिस्काउंट देने के बाद आपको क्या करना है? कस्टमर को बोलना है इतना पैसा दीजिए। कस्टमर को क्या बोलना है? इतना पैसा दीजिए। तो अब भाई उसको डिस्काउंट मिले चाहे नहीं मिले, हमको तो कस्टमर को बताना ही है ना कितना पैसा देना है। हेलो, यस अगर उसको डिस्काउंट मिले चाहे नहीं मिले, कस्टमर को तो हमको बताना है कि इतना पैसा मिलना चाहिए आपको देना है। तो जो चीज आपको जो है कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पे, ट्रू होने पे यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा, यहाँ पे वो चीज लिखेंगे जो कि कंडीशन ट्रू होने पे काम करे, ठीक है। जो कंडीशन ट्रू होने पे काम करे वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो आपको कंडीशन फॉल्स होने पे लिखवाना है उसके लिए लिखेंगे एल्स, और फिर वो कर्ली ब्रैकेट। तो यही ना हम भी बोले कि अगर मिलता है तो इतना दो, और नहीं तो कुछ और करो। बात समझे? तो हम लोग बोलते हैं इफ, इफ में कंडीशन लगता है, एल्स में कंडीशन नहीं लगता है। एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगता है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल होता है इफ, नहीं तो, मतलब या तो सही नहीं तो गलत। अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे लिखिए प्रोग्राम, प्रोग्राम When the condition is true, when the condition is true, और यहाँ पे क्या सा प्रोग्राम लिखेंगे? प्रोग्राम when the condition is, when the condition ठीक है, कि जब कंडीशन फॉल्स होगा तो कौन सा प्रोग्राम काम करेगा, और जब कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सा प्रोग्राम काम करेगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया है? कंडीशन में क्या लिखेंगे, कैसा प्रोग्राम, कैसा स्टेटमेंट लिखना है, ये आप लोगों को समझ में आ गया है? ओके ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा पहले प्रोग्राम लिखते हैं, जरा हमको विजुअल स्टूडियो खोल लेने दीजिए, और फिर हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कि इस साल यही वाला प्रोग्राम लिखते हैं कि अगर 3 दिन से ज्यादा है तो 10% का डिस्काउंट दो, और 3 दिन से कम है तो डिस्काउंट हमको नहीं देना है, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने कैसे कर रहे हैं? तो जैसे हम यहाँ पे फोल्डर वगैरह बना के रखे हैं, है ना, अब हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट करके, ठीक है। तो ऐड किए फोल्डर, इससे हमको जो है प्रोग्राम खोजने में आसानी रहेगा। ये मेरे सुविधा के लिए है, फोल्डर बना रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक। और इस फोल्डर में आके राइट बटन क्लिक करके ऐड, राइट बटन क्लिक करना पड़ता है, ऐड पे क्लिक कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट, कैलकुलेट डिस्काउंट, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास C++ है, C++ है, नेक्स्ट, कैलकुलेट डिस्काउंट दे देते हैं प्रोग्राम का नाम, कैलकुलेट डिस्काउंट,
ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम का नाम हो गया कैलकुलेट डिस्काउंट, मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया, इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ये मेरा फोल्डर है जहाँ पर कि ये प्रोग्राम मेरा बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा रहा है प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड इन डी कॉलन एजुकेशनल ट्यूटोरियल सी ट्यूटोरियल सी ट्यूटोरियल कैलकुलेट डिस्काउंट फोल्डर। तो ये आपका फोल्डर का नाम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब आप लोग जब प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो ये सब ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पे आपका बन रहा है, ताकि आपको बाद में आपके प्रोग्राम को खोजने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले वाला जो है उसको मिटा देते हैं, तो नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने आप प्रोग्राम अपना टाइप कर दिए हैं, और अभी हम लोगों को क्या करना है, पूरा टोटल अमाउंट जस्ट लेना है कि टोटल बिल अमाउंट बता दो और डिस्काउंट हमको करवाना है। टोटल बिल अमाउंट बता के डिस्काउंट। ठीक है, तो हम लोग चलिए ले लेते हैं, बोल देते हैं फ्लोट में, बोल देते हैं टोटल बिल अमाउंट या बिल अमाउंट, या बोलिए ग्रॉस, बोल लीजिए ग्रॉस बिल, ग्रॉस बिल। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद फाइनल बिल, फाइनल बिल, यही ना तीन चीज चाहिए। ग्रॉस बिल कि आपका पैसा कितना हुआ है वो बताइए, उसमें से उसके बाद डिस्काउंट कितना हुआ वो बताइए, और उसके बाद हम लोग के पास क्या होगा, फाइनल बिल होगा। कोई दिक्कत, यही तीन चीज है ना प्रोग्राम में जो हम लोग अभी तक बात किए हैं। यस प्रोग्राम यस में ये है कि गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10%, क्या है प्रोग्राम में, गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द बिल अमाउंट इज, बिल अमाउंट इज मोर देन, मोर देन 3000, मोर देन रुपीज। ठीक है, यही प्रोग्राम। तो हम बोल रहे प्लीज इंटर द, क्या बोलते हैं, ग्रॉस बिल, इंटर द ग्रॉस बिल। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट करवा लेते हैं 1% ग्रॉस बिल में। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अब डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे इफ, और लिखेंगे ग्रॉस बिल ग्रेटर देन 3000। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको क्या बताएं, किस कंडीशन में क्या आपको लिख रहे हैं, वैसा जिस जो आपको क्या दे, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स। और आपको जब हम ऑपरेटर्स बता रहे थे तो ग्रेटर देन मतलब रिलेशनल ऑपरेटर जितना भी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू चेक करने वाला, नॉट इक्वल टू, ये सब कुछ आपको क्या देता है, क्या देता है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, राइट। तो अगर ग्रॉस बिल जो है 3000 से ज्यादा होगा तो ये हमको क्या देगा, ट्रू, ट्रू। और ग्रॉस बिल जो है अगर 3000 से कम होगा तो ये हमको क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ये हमको क्या देगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स देगा। और ये ट्रू या फॉल्स किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट पे, ग्रॉस बिल के वैल्यू पे, अमाउंट, राइट, किस पे डिपेंड करेगा, ट्रू या फॉल्स, ग्रॉस बिल के वैल्यू पे, है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट, राइट, क्या कैलकुलेट करना है कि डिस्काउंट कितना देना है, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट निकालना है 10%, कैसे निकालेंगे बोलिए, ग्रॉस बिल देना पड़ेगा सर, ग्रॉस बिल इनटू इनटू 10% पॉइंट वन, 10% का मतलब पॉइंट वन, हाँ पॉइंट वन, गौरव जी सही है, हाँ सर, हाँ हाँ ठीक है, और एल्स, एल्स में डिस्काउंट कितना सीधे होगा, अमाउंट देंगे, ग्रॉस बिल लिख देंगे सर, एल्स में ग्रॉस डिस्काउंट कितना बिल, होगा, अच्छा तो जीरो, जीरो होगा ना, ये तो अमाउंट ग्रॉस बिल भी तो दे सकते हैं ना सर, हाँ मतलब प्रिंट कर देगा, हाँ लेकिन हम लोग को पहले, हम क्या कर रहे हैं कि हम डिस्काउंट पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट, डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल बिल में हम क्या बोलेंगे, फाइनल बिल
मैम बोलेंगे फाइनल बिल इक्वल टू ग्रॉस बिल माइनस डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट ये यस आपका फाइनल बिल। तब डिस्काउंट चाहे जीरो हो चाहे जो हो उससे हमको मतलब नहीं है, हम लोग हमेशा जो है कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनल बिल इक्वल टू क्या होगा, ग्रॉस बिल माइनस डिस्काउंट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो है 10% भी हो सकता है और डिस्काउंट जो है क्या हो सकता है, जीरो भी हो जीरो सकता है। भी। अगर 3,000 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम रन करेगा, और 3,000 से कम होगा तो एल्स वाला रन करेगा। कोई दिक्कत? ये सर नहीं सर और डिस्काउंट हर बार हम कैलकुलेट नहीं करते हैं भले वो जीरो हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये सर तो आप देखिए नहीं सर जो जो भी काम हमको इफ के अंदर में करवाना है कि भाई ये कंडीशन जब ट्रू हो तो क्या करो, तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखे, ठीक है। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या हो, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखे। और जिस चीज को इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि आपको ये वेरिएबल डालना था, ये इनपुट लेना है, राइट, ग्रॉस यस बिल को सर इनपुट लेना है, तो उसको तो कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। ग्रॉस बिल तो हमको हमेशा चाहिए, चाहिए ना, यस सर उसको हम कहाँ लिखे, इफ के ऊपर। या अब दूसरा चीज हम क्या लिखे, ये चीज फाइनल बिल तो हमको हमेशा कैलकुलेट करना है, उसको डिस्काउंट मिले भाई मत मिले, लेकिन फाइनल बिल तो हमको हमेशा चाहिए ना। इसको जो है ना तो हम इफ के अंदर में लिखे और ना तो हम इसको एल्स के अंदर में लिखे, ये दोनों के बाहर है। बात समझ में आ गया? यस सर जो चीज आपको कंडीशन के ट्रू होने पे लिखना है वो इस वाले के अंदर में, इस ब्रैकेट के अंदर में लिखना है, और जो कंडीशन फॉल्स में वो एल्स में लिखना है, और जो जिसको कि इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है उसको सीधा बाहर में लिखना है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? और हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंटर फाइनल बिल इज, और यू हैव टू पे लिख देते हैं, यू हैव टू पे प्लीज पे लिख देते हैं, प्लीज पे। हेलो प्लॉट है ना, परसेंटेज पॉइंट एफ, ठीक है, और लिख देते हैं क्या है हमारा फाइनल बिल, किसको बिल प्रिंट करवाएंगे, फाइनल बिल को सर, फाइनल बिल, राइट, प्लीज पे परसेंटेज पॉइंट टू एफ फाइनल बिल। कोई दिक्कत इतना में समझने में इसको किन्हीं को? सर 2F क्यों लिखे हैं पर अच्छा पॉइंट पॉइंट टू टू एफ एफ, क्योंकि एफ क्या करता है, आप ध्यान अगर दिए होंगे जब हम लोग फ्लोट कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट जो है डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक दे देता है। पैसा रुपया में आपको 6 डिजिट चाहिए, पैसा रुपया में कितना से काम चल जाता है, 2 डिजिट से, 2 डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट टू एफ का बोल देता है कि ऐसा, ये इसका मतलब ये बोल देता है कि हमको डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट चाहिए, या क्या बोलेगा, डेसिमल के बाद हमको खाली 2 डिजिट आप प्रिंट करवाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं। सर वहाँ पे फ्लोट क्यों लिखे, मतलब फ्लोट ग्रॉस बिल डिस्काउंट इसलिए क्योंकि फाइनल हम बिल, जब यहाँ पे 10% कैलकुलेट करा रहे थे तो हो सकता है पैसों निकल जाए। तो इंट भी तो लिख सकते थे ना, इंट ग्रॉस अगर बिल इंट डिस्काउंट, लिखेंगे तो डेसिमल के बाद वाला वैल्यू जो है वो उसको इग्नोर कर देगा, है ना, डेसिमल वैल्यू नहीं देगा आपको। इंट का मतलब होता है फुल नंबर, बात समझे, इंट का मतलब फुल नंबर। इसको रन करके देखा जाए, तो रन करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट डिस्काउंट पे जाते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं और इसको बोलते हैं सेट एज स्टार्टअप, क्या होते हैं सेट एज स्टार्टअप, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं, सर मतलब ये करते हैं, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। ये पूछ रहा है इंटर द ग्रॉस बिल, हम दे देते हैं 4,500, कहते थे ये 4,500 कितना डिस्काउंट मिल के आना चाहिए, 450 रुपये, 450, उसके बाद कितना पैसा होगा, प्लीज पे 4,000, 10% डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। इसमें फिर से रन करते हैं, इसमें बोलते हैं 2,500, अब कितना होगा, प्लीज पे 2,500, डिस्काउंट नहीं मिला है। अब हम यहाँ पे एक चीज और करना चाहते हैं, जब किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो बताएंगे ना कि आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, तो हमको वो चाहिए कि हम उसका डिस्काउंट भी प्रिंट कर दें।
तो हम बोलेंगे प्रिंटर यू गॉट अ डिस्काउंट ऑफ यू गेट अ डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफ 10% परसेंटेज परसेंटेज पॉइंट एफ ठीक है। उसके बाद कौन सा वेरिएबल प्रिंट करेंगे, कौन सा वेरिएबल डिस्काउंट वेरिएबल, डिस्काउंट वेरिएबल ठीक है। उसका सिलेक्शन भी लिख दें ठीक है, सिलेक्शन लिख दें। क्या अब अगला जो चीज होगा वो अगला लाइन में प्रिंट होगा, इस लाइन में प्रिंट नहीं होगा ठीक। चलिए इसको अब हम लोग रन करते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। यू गॉट द ग्रॉस बिल, ग्रॉस बिल दे देते हैं 6000 रुपया, इसका 6700 ठीक है। दिखा रहा है यू गॉट अ डिस्काउंट ऑफ कितना रुपया, 670 रुपया, बहुत रुपया का डिस्काउंट मिल गया, 6000 में काम हो गया, 6700 का बिल। और पैसा कितना दिए आप, 6030 रुपया। आपका मेरा आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब आपका रिक्वायरमेंट हो गया, अभी तक जो हम प्रोग्राम बनाए थे इसमें आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब आपका रिक्वायरमेंट हो गया कुछ और, अब हम बोल रहे हैं कि 3000 तक में तो 10% डिस्काउंट दीजिए, और 10000 से कोई ज्यादा सामान खरीदा तो उसको हम 20% डिस्काउंट देंगे। कितना देंगे डिस्काउंट, 20%। 10000 से ज्यादा में कितना देंगे, 20%। 3000 से ज्यादा में 10%, 10000 से ज्यादा में 20%, और 50000 से कोई ज्यादा सामान खरीदा तो हम उसको 30% डिस्काउंट देंगे। 50000 से ज्यादा खरीदेगा तो 30%, अब उसके बाद चाहे आप कितनों का खरीद लो उससे ज्यादा नहीं दे सकते, नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा ठीक। बात समझे, क्या हो गया मेरा कंडीशन, ध्यान से देखिए, मोर देन 3000 कितना डिस्काउंट 10%, मोर देन 10000 कितना डिस्काउंट 20%, एंड मोर देन 50000 लिखे हैं, हैं 1000 लिखे हैं, 1000 लिखे हैं, ओह थैंक यू, और मोर देन 50000 कितना डिस्काउंट 30%, 30%, एक्सेलेंट ठीक है। अब हम लोग इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे ठीक है, इसी प्रोग्राम को क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे कि 10% तभी तो खाली एक कंडीशन था, अब हमको कितना कंडीशन देना है, एक से ज्यादा, अब हमको कितना कंडीशन देना है, एक से ज्यादा कंडीशन देना है, तो वो काम हम लोग कैसे करेंगे। चलिए मेरा स्क्रीन दिख रहा है, चलिए तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि अप टू 3000 तो जो दिए थे वो, उसके बाद हमको अब एक से ज्यादा कंडीशन देखना है ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास इफ के साथ उसका एक जोड़ा पारी भी है, तो एक तो देखा तो इफ के साथ दूसरा जोड़ा पारी क्या है, एल्स राइट, इफ के साथ उसके साथ दूसरा कोई क्या साथ में चलता है, एल्स चलता है, तो इफ और एल्स का काम आप लोग समझ गए हैं, इफ और एल्स का काम समझ गए आप लोग, यस भैया सब लोग। अब उसी का एक और भाई है एल्सिफ, उसी का एक और भाई है एल्सिफ, ये क्या करता है, तो हम जैसे बोले एक चीज, जैसे हम बोले अगर 3000 से ज्यादा है तो ये करो, और नहीं तो अगर 5000 से ज्यादा है तो ये करो, और नहीं तो अगर 10000 से ज्यादा है तो ये करो, मतलब बहुत सारा कंडीशन बता रहे हैं, सीधे ट्रू फॉल्स वाला नहीं कि या 3000 से ज्यादा है तो ये नहीं तो ये नहीं, बोले 3000 से ज्यादा है तो कुछ और, 10000 से ज्यादा है तो कुछ और, 50000 से ज्यादा है तो कुछ और, तो हम एक से ज्यादा कंडीशन लगा रहे हैं ठीक है। तो अभी जैसे हम बोलेंगे इफ के साथ जैसे कंडीशन दिए वैसे ही हम लोग बोलते हैं एल्स इफ, क्या बोलेंगे एल्स इफ, इफ के साथ लगता है इफ के साथ लगेगा
एलसिफ, और उसमें फिर से वही कंडीशन, क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे कैसा स्टेटमेंट देंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो ट्रू और फॉल्स करेक्ट जो ट्रू या फॉल्स करता है। कंडीशन। ठीक है, तो ये आपको देगा ट्रू या फॉल्स। चलिए, और यहाँ पे भी वही चीज होगा, ब्रैकेट और ब्रैकेट। प्रोग्राम विच विल गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। ठीक, और उसके बाद अगर आपको एक से और ज्यादा कंडीशन देना है तो फिर से एल्स इफ, जितना आपको देना है उसका कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है। फिर से कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल का स्टेटमेंट फिर से यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये क्या देगा आपको, या अगर ट्रू होगा तो क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे कॉपी, और लास्ट में अंतिम में जब कुछ काम नहीं करेगा तो क्या, एल्स एल्स। लास्ट में ये है आपका एल्स। लास्ट पे क्या होगा, समझ में आई ये बात आप लोगों को, एल्सिफ समझ में आया है, इफ का जोड़ा पारी है एल्सिफ और एल्स। कभी भी स्टेटमेंट जो है सीधा एल्सिफ से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा स्टेटमेंट स्टार्ट होगा प्रोग्राम में इफ से। एल्सिफ जो है हमेशा इफ के बाद ही आएगा। ठीक, जैसे हम कभी बोलते हैं अगर ये करना है तो करो, नहीं तो ये करना है तो ये करो, नहीं तो ये, तो नहीं तो हम कब बोलते हैं, पहले हम अगर यदि लगाते हैं तब ना बाद में नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो लगाएंगे, है कि नहीं, ये स्टार्टिंग कर दीजिएगा, नहीं तो ये कर लो, ऐसे बोलते हैं, हेलो, नहीं बोलते हैं, राइट। तो यहां पर भी हम लोग जो है स्टेटमेंट जो मेरा स्टार्ट होगा किससे होगा, इफ से होगा, अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तो उसमें एल्स इफ लगाइए, और खाली ट्रू फॉल्स करना है तो इफ और क्या लगाएंगे, इफ एल्स। चलिए, एक्सेलेंट, थैंक यू। चलिए अब इसी प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अब 3,000 की जगह पे 10,000 और 50,000 का हम लोगों को भी कंडीशन देना है। ठीक है, चलिए अब करते हैं, एक कंडीशन 3,000 का। अब देखिए, मान लेते हैं, अब इफ एल्स को जरा ध्यान से देखना है, अब हम क्या समझाने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं आपका मेरा पहले से ये प्रोग्राम लिखा हुआ था कि इफ ग्रॉस बिल इज 3,000 तो 10% दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं एल्स इफ। ठीक है, और हम थोड़ा सा ज्यादा होशियार है तो हम तो सोचे क्या कि पहले से प्रोग्राम लिखा ही हुआ था उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो 3,000 लिखा ही हुआ था, अब अगला मेरा क्या है 10,000 ना, 10,000 पे हम बोल देते हैं 20% डिस्काउंट। ठीक है, 10,000 पे कितना डिस्काउंट बोल देते हैं, 20%, यही हमको चाहिए, और उसके बाद हम इसी में लिख देते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और बोलते हैं कि अगर 50,000 से ज्यादा हो, 50,000 से ज्यादा हो तो हम बोल देते हैं 30%। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है आप कोई देख के बताएंगे। अच्छा चलिए, इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम को समझने से पहले एक चीज हम लोगों को समझना जरूरी है कि इफ एल्स काम करता कैसे है। तो अभी हमारा कंडीशन क्या था, कंडीशन ये है कि अगर कंडीशन क्या था हम लोगों का, कंडीशन हमारा ये है कि अगर 3,000 से ज्यादा है तो 10%, 3,000 से ज्यादा है तो कितना परसेंट,
10%, और अगर 10,000 से ज्यादा है तो 10%। 20%, और अगर 50,000 से ज्यादा है तो 30%। ठीक है, ये मेरा कंडीशन था। ठीक है, प्रोग्राम तो हम जो अपने हिसाब से सोच समझ के यहाँ पे लिख भी दिए कि भाई इफ 3,000 से ज्यादा है तो 10%, 10,000 से ज्यादा है तो 20%, और 50,000 से ज्यादा है तो 30%। लेकिन अब ये कंप्यूटर समझा क्या है ये देखिए, कंप्यूटर क्या समझा। अब इफ एल्स को हम लोग, ये इफ एल्स काम कैसे करता है ये भी देखना है। इफ एल्स का काम करने का तरीका ये है कि अगर सबसे पहला ये वाला कंडीशन, अगर ये कंडीशन मैच कर गया, पहला कंडीशन अगर मैच कर गया, ठीक है, ट्रू हो गया, तो अब वो फिर से एल्स इफ और एल्स को चेक नहीं करता है। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, अगर यही वाला कंडीशन मैच कर गया तब फिर वो आगे जाके इसको चेक नहीं करेगा। बात समझे, वो एल्स भी नहीं चेक करेगा, सीधे कहां चला जाएगा, सीधे रिजल्ट सबमिट में। वो इफ वाला बात खत्म, पहला हाँ कंडीशन मिल गया, बात वहीं पे खत्म। बात समझे, कोई दिक्कत? तो इस प्रोग्राम में क्या होगा कि चाहे आप 50,000 का खरीदिए, चाहे 10,000 का खरीदिए, चाहे 1,00,000 का खरीदिए, चाहे 3-5,000 का खरीदिए, आपको डिस्काउंट हमेशा कितना मिलेगा, 10 ही%। क्यों? क्योंकि अगर 50,000 भी है तो 3,000 से बड़ा है ना, हाँ तो ये पहला ही कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट? 50,000 भी तो 3,000 से बड़ा है कि नहीं है? है? तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, अगर रन करते हैं और देखते हैं, और इसके बाद हम आपको इसका फ्लो भी दिखाएंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको इफ एल्स बहुत लिखना है, तो ये चीज आपके पास दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नहीं कि कहीं भी कुछ भी लिख दे, इधर उधर कुछ भी लिख दीजिएगा, कंप्यूटर को सोचिएगा कि ज्यादा होशियार है, कंप्यूटर होशियार नहीं है। कंप्यूटर जो आपको एक तरीका बता दिया है, उस तरीका को आपको समझना है, उसके हिसाब से उसको प्रोग्राम लिख के देना है। उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो काम उल्टा पुल्टा करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग करके देखते हैं इसको। प्रोग्राम तो अपने हिसाब से लिख दिए, यही ना हम लोग यहाँ पे लिखे थे कंडीशन में, क्वेश्चन में हम लोग का कंडीशन यही था कि 3,000 से ज्यादा पे 10%, और 10,000 से ज्यादा पे 20%, 50,000 से ज्यादा पे 30%। ये था मेरा कंडीशन, ये तीन चीज था। उसके हाँ हिसाब से हम उसके हिसाब से प्रोग्राम तो लिख दिए हैं कि 3,000 से ज्यादा पे 10%, 10,000 से ज्यादा पे 20%, और 50,000 से ज्यादा पे 30%। ठीक है, अब देखें, लेकिन अब हम देखते हैं करना क्या है, अब ये काम कैसे करता है। इसको हम लोग रन करें जरा, एक सेकंड। ठीक है, हम बोल रहे हैं बिल कितना है, अमाउंट 1,00,000। बिल अमाउंट कितना दे दिए हैं, 1,00,000। कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, 30,000, राइट? 30% हाँ है ना, मिला कितना देखिए तो, कितना मिला, दस परसेंट 10%। ये किसका गड़बड़ी से 10% मिला, दुकानदार के गलती से कि प्रोग्रामर के गलती से? प्रोग्रामर की गलती प्रोग्रामर के गलती से, वो प्रोग्राम में जो लॉजिक है वो सही से नहीं। नहीं लिखा है। ठीक, अब देखिए इसको, अब एक बार और काम करते हैं। देखिए, विजुअल स्टूडियो में एक और फायदा है प्रोग्राम रन कराने का। यहाँ पे कुछ चीज होता है जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, वो क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस वाले जगह पे जाइए, इस वाले एरिया में जहां पे मेरा कर्सर है, ध्यान से देख रहे हैं, जब हम कर्सर ला रहे हैं तो एक ब्लैक कलर का बॉक्स बन के आ रहा है, सर्किल आ रहा है। हम अभी खाली कर्सर मूव कर रहे हैं, कहीं क्लिक व्लिक नहीं हाँ कर रहे हैं। आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जाके क्लिक कर देते हैं, ये लाल बन गया, लाल बना है। इसको हम लोग ब्रेक बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको स्पेलिंग भी पता चले, ब्रेक पॉइंट। अब ये ब्रेक पॉइंट क्या करता है, ब्रेक पॉइंट करने का मतलब ये है कि जब हम लोग प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो प्रोग्राम कैसे कैसे रन हो रहा है, अभी कौन से लाइन पे रन हो रहा है, और उस लाइन पे जब जाइएगा तो अभी कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू है, ये सब अगर आपको देखना है तो इस विजुअल स्टूडियो में वो फैसिलिटी आपको दिया हुआ है।
ये प्रोग्राम को आप रोक रोक के रन करा सकते हैं, एक एक लाइन देख देख के रन करा सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो हम यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट डाल दिए, ठीक है, और अभी हम जाके इस पर क्लिक करते हैं, ठीक। तो अब भाई साहब देखिए, प्रोग्राम जब रन हो रहा था, ये स्क्रीन यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ मैसेज दिया है इंटर द, कुछ भी नहीं ना आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी प्रोग्राम जो है यहाँ पे आके रुक गया है। यहाँ पे देखिए एक एरो लगा हुआ है पीला रंग का, देखिए तो पीला रंग का एरो है, हाँ सर, पीला रंग का एरो है, इसका मतलब अभी प्रोग्राम जो है इस लाइन पे रुका हुआ है, अभी रन नहीं हुआ है, ठीक है। हमको अगर इस लाइन को देख लिया, अच्छा ये लाइन में है, इस लाइन में पहुंचे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और नीचे देखे तो कुछ दिख रहा है, नीचे आपका जो वेरिएबल का नाम था दिख रहा है, यही ना तीन वेरिएबल आप डिक्लेयर किए हैं, हाँ, डिस्काउंट फाइनल बिल ग्रोसरी, ठीक है। तो ये आपको कौन से स्क्रीन में दिख रहा है? इस स्क्रीन का नाम है क्या? है स्क्रीन का नाम ऑटोज, क्या है ऑटोस इस ऑटो, स्क्रीन का नाम? आप लोगों को याद रखना है, ये सब विजुअल स्टूडियो में और कहीं पे नहीं। तो इस स्क्रीन का नाम है ऑटोज, और यहाँ पे आपको सारे वेरिएबल जो भी आप डिक्लेयर किए हैं सबका वैल्यू भी दिख रहा है, वैल्यू दिख रहा है, कुछ वैल्यू आ गया है, राइट। हम लोग तो कुछ दिए नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू वो डाल देता है, सी क्या कर देता है, और वो देखिए माइनस है, माइनस जितना भी है ये वैल्यू डाला हुआ है, राइट, है ना। तो वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जीरो नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है, कुछ अपना वैल्यू रहता है। यहाँ पे डेटा टाइप भी दिखा रहा है, तो ये चीज आपको जो है यहीं पे दिखेगा विजुअल स्टूडियो में, कि सारा वेरिएबल का, सारा वेरिएबल का नाम, उसका करंट वैल्यू, अभी क्या वैल्यू है उसका, वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, वो दिखता रहेगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको इसका अगला लाइन में जाना है, बोलेंगे भाई साहब ठीक है इसके अगला लाइन में इसको भेजो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ बटन बना हुआ है, एक है सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्या है सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, दूसरा है स्टेप इनटू, तीसरा है स्टेप ओवर। मेरा कर्सर देख रहे हैं ना आप लोग? मेरा कर्सर देख रहे हैं? यस भैया, ठीक है, हम कहाँ पे दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, बाद में इसमें इधर उधर भुला के इधर उधर कीजिएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे है स्टेप आउट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप इनटू क्या करेगा, अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि अभी हमारे पास वैसा कोई सिनारियो नहीं है, फिलहाल हम लोग अभी स्टेप ओवर करेंगे। उसमें देखिए तो क्या लिखा हुआ है, F10 लिखा हुआ है, F10 F10 लिखा है स्टेप ओवर के बगल में, हाँ। लिखा है आपके कीबोर्ड में, देखिए की है F10 नाम का है, देखिए F10 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, हम F10 प्रेस कर सकते हैं या तो फिर हम यहाँ पे स्टेप ओवर कर सकते हैं। तो देखिए हम स्टेप ओवर पे क्लिक करा ताकि आपको दिखता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। अब जैसे हम स्टेप ओवर किए, अब देखिए तो ये पीला वाला लाइन कहाँ आ गया, नीचे में आ गया है, आया एक लाइन नीचे, आ गया। और अब अगर हम इस वाले आउटपुट स्क्रीन में जाते हैं तो देखिए तो इंटर द ग्रॉस बिल लिखा गया, इंटर द ग्रॉस बिल क्यों लिखा गया, क्योंकि ये वाला लाइन का काम अब हो चुका है, इसलिए इंटर द ग्रॉस बिल लिखा गया, बात समझे। तब आपका एक एक लाइन का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? हेलो, सबको समझ में आ रहा है ये बात? तो ये काम जो है हम लोग जो है प्रोग्राम में, जब आप लोग लिखिएगा प्रोग्राम, जैसे अभी मान लेते हैं हम प्रोग्राम लिखे हैं, अब हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं और फिर भी डिस्काउंट 10% मिल रहा है, और हमको पता करना है कि काहे 10% मिल रहा है, हम तो यह सब लिख दिए हैं, अब हमको ये पता करना है कि हमको 10% क्यों दिख मिल रहा है, हमको तो 30% मिलना चाहिए था, बात समझ रहे हैं, लेकिन हमको मिल कितना रहा है 10%, हमको ये पता करना है कि आखिर गड़बड़ी हुआ कहाँ पे है। तो इसको अगर गड़बड़ी पता करना है तो हम लोग इसी तरह से इसको डिबग करते हैं, इसको हम इस काम को क्या बोलते हैं करने को, इस काम को करने, इस काम को बोलते हैं डिबग करना। डिबग करने का मतलब प्रोग्राम में खोजना जाके कि क्या गड़बड़ी हो रहा है, प्रोग्राम में गड़बड़ी तो है ये तो पता है, इस प्रोग्राम में गड़बड़ी है ना, जो आउटपुट चाहिए वो नहीं ना आया है, हमको आउटपुट कितना परसेंट डिस्काउंट चाहिए था, 1 लाख पे 30%, और आया कितना था 10%, तो गड़बड़ी है। अब ये गड़बड़ी खोजना है,
ठीक है। तो ऐसा कुछ गड़बड़ी खोजना अगर होता है तो हम लोग प्रोग्राम को हमेशा इसी तरह से ब्रेक पॉइंट लगा के रन करके और जाके चेक करते हैं कि आखिर गड़बड़ी हो कहाँ रहा है, और हम देखिएगा कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि गड़बड़ी कहाँ हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो अब हम फिर से क्या करते हैं, स्टेप ओवर करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है अब आपका इनपुट लेने के लिए बैठा हुआ है, स्कैनर फंक्शन काम कर रहा है। अब देखिए कहीं वो पीला वाला आगे नहीं बढ़ा है, अब वो स्कैनर जो है वो यहीं पे फंसा हुआ है। पीला वाला लाइन जो था एरो नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो स्कैनर में फंसा हुआ है। तो हम जैसे दे दिए 1 लाख, ठीक है, और इंटर। फिर देखिए पीला लाइन आ गया है, पीला एरो उसके नेक्स्ट लाइन पे आ गया है, हाँ सर, आ गया है। तो अब हम लोग इस लाइन पे हैं। ठीक है, अब आप F10 कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ग्रॉस बिल का वैल्यू कितना है, ग्रॉस बिल का वैल्यू कितना है, ग्रॉस बिल का वैल्यू क्या है, क्या दिखा रहे हैं वहां पे, हम लोग कितना इंटर किए हैं ग्रॉस बिल में, 1 लाख। 1 लाख किए, तो ग्रॉस बिल में है 1 लाख दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा, जैसे हम कर्सर यहाँ लाए थे यहीं पे दिखा देता है। ठीक है, कर्सर जब हम लाते हैं तो यहीं पे दिखा देता है, और उसके अलावा देखिए यहाँ पे भी आ गया है, आ गया है, आया है ग्रॉस बिल में 1 लाख। चलिए, तो अब हम बोल रहे हैं कि 1 लाख ग्रेटर देन 3000, ट्रू या फॉल्स, ग्रॉस बिल में तो 1 लाख है ना, 1 लाख ग्रेटर देन 3000 तो ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, अब हम फिर से इसको स्टेप ओवर करते हैं। भैया हाँ अगर 50,000 शुरू में दे दें और 10,000 तब 3,000 दें तो सही काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ध्यान से देखिए। तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, ध्यान से देखिए। तो अब हम लोगों का कौन सा प्रोग्राम में रन हो रहा है, कौन सा, कहाँ पे मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहाँ पे है, लाइन नंबर 15 में है, हाँ राइट। तब तो काम कौन हाँ सा हो रहा सर, है, 10% वाला, क्यों भाई, क्योंकि ये ट्रू हो गया है, क्या हो गया है, ट्रू हो गया है, तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10%। और उसके अब फिर से इसको मैं स्टेप ओवर करते हैं, और अब ये सीधे कहाँ चला जाएगा, तो सीधे बाहर, ये एलसीफ में जाके चेक किया, एलसीफ में चेक किया ये, हेलो एलसीफ में गया, ये नहीं एलसीफ में गया है, ऐसा कहाँ पीला लाइन, कहाँ है, लाइन नंबर नहीं, 29 में नहीं आ गया, सीधे हाँ इफ वाला काम किया और सीधे कहाँ पहुंच गया, अंतिम में, क्योंकि उसको इफ का कंडीशन मिल गया तब वो दोबारा एलसीफ में नहीं जाएगा, बात समझ गए। तो जब भी आप इफ एलसिफ कंडीशन लिखते हैं तो आपको बड़ा ध्यान से लिखना है। ठीक है, अब इसको सही करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं इसका सही करने का तरीका हम बहुत तरह से सही कर सकते हैं। एक तरीका तो ऐसा हो सकता है कि हम पहले बोल देंगे कि अगर 50,000 पहले लिख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 30% लिख दीजिए, एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है 10,000 लिखिए 20%, उसके बाद जो है ग्रेटर देन 3000 लिखिए और 10% कर दीजिए, एक तरीका ये हो सकता है। तो अब क्या है, 50,000 से ऊपर होगा तो 30%, और 50,000 से कम होगा तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, 50,000 से कम होगा तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स, अगर ये फॉल्स होगा तो फिर जाके एलसीफ में भी चेक करेगा, बात समझे, अगर ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर ये एलसीफ में चेक करेगा, और अगर ये भी फॉल्स हो गया तो फिर दूसरा एलसीफ में चेक करेगा, और अगर ये भी फॉल्स हो गया तब जाके ये एल्स में जाएगा। ये सीक्वेंस समझ में आया आप लोगों को, हम क्या बता रहे हैं, इफ एलसीफ 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 एलसीफ, 50 भी एलसीफ हो सकता है, और उसके बाद लास्ट में अगर इफ एल्स है तो कैसे कैसे वो सीक्वेंस में काम करता है, ये समझ में आया आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आ गया है, गौरव प्रोग्राम को एक और तरह से लिखना चाहते थे, अब इसी को अगर हमको सही करना होता, जैसे हम जैसे लिखे थे पहले, मेरा यहाँ पे 3,000 था, राइट, यहाँ पे 3,000 था, यहाँ पे 10,000 था, और यहाँ पे 1 लाख था, नहीं था, 3,000 में था यहाँ पे मेरा 10%, 10,000 पे था 20% और 1 लाख से ऊपर
ये था, ठीक है। अब हम इसी को सही करना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 3,000 से बड़ा 10,000 से छोटा, और 10,000 से छोटा, तो एंड कैसे लिखते हैं, क्या बताएं? एम परसेंट दो डबल बार एंड ऑपरेटर बताएं ना, एंड बताएं आप लोगों को, सर। बताए हैं, ठीक है। एंड ग्रॉस बिल लेस देन इक्वल टू 10,000, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ग्रॉस बिल 10,000 से बड़ा एंड ग्रॉस बिल, ठीक है। और उसके बाद 1 लाख से बड़ा, तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो 3,000 से बड़ा कंडीशन और 10,000 से छोटा, जब दोनों कंडीशन मैच करेगा तब ये मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, और नहीं तो क्या होगा, एंड लगा दिए तो क्या होगा, ये ट्रू और ये भी ट्रू, जब दोनों ट्रू तब ना ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू। ये बताए आप लोगों को, दोनों ट्रू या होना फिर दो चाहिए। कंडीशन लगा दिए, एक ये कंडीशन और एक कंडीशन, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी आपको एंड जो है ट्रू देगा, नहीं तो क्या फॉल्स। देगा, एंड फॉल्स। तब दोनों कंडीशन मैच होगा तब ठीक है, नहीं तो नहीं। तो अब अगर हम इसको ऐसे भी रन कराएंगे तो काम आपका हो जाना चाहिए, रन करके देखें। चलिए रन किया जाए, अभी हम ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट हटाने के लिए करना क्या है, इसी पे जाके एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो ब्रेक पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कंटिन्यू कंट्रोल करना। तो ग्रॉस बिल पर डाल दिए 1 लाख, 1 लाख नहीं, 1,10,000 डाल दिए, 1,10,000, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, 11,000 ना, ओ 30,000 ना, 33,000, 30% ना, हाँ, 30% 30%। तो 1,10,000 के बदले में 33,000 डिस्काउंट मिल के अब आपको कितना पे करना है, 77,000। तो 33,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया, अब आप हो जाइए खुश। खुश है, 1,10,000 के बदले में आपको कितना देना पड़ रहा है, 77,000 है। अब दूसरा, अब क्या दूसरा, 10,000, 10,000 था कि 50,000 था, चलिए जो भी, 10,000 लिखे, 10,000 आने दीजिए। तो अब हम दे देते हैं 12,000, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, 2,400, 20%, तो 9,600 आपको देना है। अब फिर से रन कीजिए, और हम देते हैं 5,000, तो कितना डिस्काउंट, 10%, ठीक है, 4,500। और अब हम इसको फिर से रन करते हैं, अब हम बोलते हैं 2,000, तो कितना डिस्काउंट, जीरो, राइट, यू हैव टू पे 2,000, नो डिस्काउंट। तो आप ऐसे भी सही कर सकते हैं, तो एक तरीका ये भी हो गया, राइट। तो आप जो है इफ में एंड और नॉट सब कुछ लगा सकते हैं, तो एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर लीजिए, अब उसके बाद अभी अगला प्रोग्राम जब देंगे तो उसमें आप लोगों को ये सब यूज करना है। इसको भी हम डाल, ये है कि आपके पास दो वेरिएबल है, वेरिएबल वन, अभी किसी भी डेटा टाइप का उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल वन और वेरिएबल टू, वेरिएबल दो वेरिएबल है, ठीक है। यू हैव टू वेरिएबल्स, यू हैव टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, वेरिएबल वन एंड वेरिएबल टू, ओके। राइट ए प्रोग्राम, यहाँ पे इसका स्पेस नहीं देते हैं क्योंकि ये स्पेस नहीं होता है वेरिएबल के नाम में। राइट ए प्रोग्राम टू चेंज द वैल्यूज, और इंटरचेंज बोलते हैं, टू एक्सचेंज, और टू एक्सचेंज द वैल्यूज ऑफ दीज टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से वेरिएबल वन में आपके पास था, वेरिएबल वन में 10 था और वेरिएबल टू में 20, तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो क्या कर दे, वेरिएबल टू में
वेरिएबल वन में ला दे 20 और वेरिएबल टू में भेज दे 10। बात समझे? दोनों वेरिएबल का वैल्यू क्या करते हैं, आपस में बदल दे, पहले वाले का दूसरे में और दूसरे वाले का पहले में, ये काम वो करते हैं। ठीक है, गूगल नहीं कीजिएगा, चैट जीपीटी यूज नहीं कीजिएगा, पहले हम बता दे रहे हैं, बाद में कीजिएगा तो हमको समझ में आ जाएगा। अच्छा।